Hello students, this is Let's Learn with Anand and today I will be teaching you present perfect tense. So last day video was on present continuous tense. Now we will continue with present perfect tense. So as far as present tense is concerned, it deals with the present situation. And present perfect tense is the third kind of present tense and it is used to express an action that has been recently completed. जो एक्शन अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है उस एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस करता है. फॉर एग्जांपल, सी हैज जस्ट लेफ्ट द प्लेस. अभी अभी वो इस स्थान को छोड़कर गई है या जा चुकी है. आवर टीम हैज वन द मैच. हमारी टीम ने मैच अभी जीता है या हमारी टीम मैच जीत चुकी है. ये दोनों जो एक्शन है अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं. आप देख सकते हैं आवर टीम हैज won the match. Just she has just left the place. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. For past actions whose time is not given. Past actions के बारे में बताता है जिसका समय दिया हुआ नहीं होता है. जैसे example के लिए, I have met him before. मैंने उसे पहले कभी मिला है या मैं उससे पहले मिल चुका हूँ. Has she cooked the lunch? क्या उसने lunch बना लिया है या क्या उसने lunch क्या वो लंच बना चुकी है. ये दोनों जो वाक्य हैं इन पास्ट एक्शंस को दिखाते हैं जिसमें समय नहीं गिवन है, दिया हुआ नहीं है. नाउ इसके स्ट्रक्चर की अगर देखते हैं, स्ट्रक्चर से पहले मैं बात करना चाहूँगा इसके हिंदी में पहचान की. तो हिंदी में पहचान के लिए तो जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि लगा रहे या कई बार खाया है, पढ़ा है, गया है, लिखा है इत्यादि लगा रहे तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा. उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जैसे राम पुस्तक पढ़ चुका है, वह दिल्ली जा चुका है, मैं परीक्षा दे चुका हूं, वह क्रिकेट खेल चुका है इत्यादि. ये सब अगर उदाहरण आपको मिलते हैं तो आपको समझना होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं. वहीं इनके इंग्लिश में पहचान के लिए, व्हेन द सेंटेंस इज रिटन इन इंग्लिश एंड द सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय हैज और हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. वर्ब थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज पास्ट पार्टिसिपल. अगर सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव आता है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है देन उस वाक्य को हम समझेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है. स्ट्रक्चर मैंने यहां लिखा है, आप देख सकते हैं. एस प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट. यानी कि सब्जेक्ट के साथ जब हैज हैव लगा रहे और साथ में वी थ्री लगा रहे और ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट परफेक्ट.